अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर गुलाम बासमरी। सो आज मैं आपको समझाऊंगा कि एमएस पेन में गिलास कैसे बनाना है। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में आएंगे। स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद यहां पर लिखा हुआ है एमएस पेंट। जैसे यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एमएस पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग आसानी से एक गिलास बनाएंगे। सबसे पहले आप यहां पर आओगे। यहां पर आने के बाद ये है हमारे पास ओवल शेप। जैसे यहां पर इसके ऊपर ड्रा करेंगे तो एक शेप हमारे पास बन जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर इसका साइज़ छोटा सा रखना चाहते हो तो आप यहां से इसका साइज़ कम कर सकते हो। फिर यहां पर आएंगे, यहां पर हमारे पास है लाइन शेप। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको नीचे के हिसाब से इसको ड्रा करूंगा। ड्रा करने के बाद अगेन यहां से भी आप लोग इसको ड्रा कर सकते हो। यहां से हम लोगों ने इसको ड्रा किया है। ड्रा करने के बाद अगेन हमारे पास यहां पर आए ओवल शेप। जैसे यहां पर आऊँगा, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसी को इसी हिसाब से बनाना चाहते हो तो आप यहां से इसको बना सकते हो। हमारे पास एक VIP अच्छा सा गिलास बन गया है। अगेन आप इस गिलास को दूसरी जगह पर रखना चाहते हो तो हम लोग रख सकते हैं। यहां पर इसको सिलेक्शन देने के बाद यहां से हम गिलास को थोड़ा सा हटाते हैं। ये आ गया हमारे पास गिलास। हाँ, अगर आप गिलास के अंदर कुछ कलर्स वगैरह फिल करना चाहते हो, सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा। ओवल शेप है, सॉरी कर्व शेप है। कर्व शेप में आने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो मैंने यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा ऐसे रखा है। तो बाहर क्लिक करूँगा। बाहर क्लिक करने के बाद हमारे पास है फिल विथ कलर। जैसे यहाँ पर आके फिल करूँगा तो हमारे पास इसका कलर फिल हो जाएगा और इसको रेड रखूँगा। इट मीन्स ताकि हमारा पहला जो गिलास है वो अच्छा नज़र आ जाए। ये हमारे पास गिलास नज़र आ गया है। अब अगर आपको कोई कप वगैरह बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से आके कप भी बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा कम रखेंगे। हमारे पास ऑलरेडी साइज़ थोड़ा सा सेट हो गया है। यहाँ से इसको आके ड्रा करूँगा। ड्रा करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है क्या है, कर्व शेप। कर्व शेप में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर इसको ड्रा करूँगा। ड्रा करने के बाद इसको यहाँ से खींचूँगा और इसको यहाँ से खींचेंगे हम लोग। हमारे पास क्या बन गया, एक कप बन गया। बाहर क्लिक करूँगा। बाहर क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पर हमारे पास है कर्व शेप। यहाँ पर आके इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको फिल करूँगा। तो यहाँ से इसको ऐसे ऊपर के हिसाब से खींचूँगा और यहाँ से इसकी यहाँ पर सेम टू सेम मुझे एक और बनाना है यहाँ पर। तो वापस कर्व शेप में आऊँगा। कर्व शेप में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको इधर अगेन इधर और इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे ताकि हमारा जो कप है वो कप के हिसाब से नज़र आ जाए। और इसका जो नीचे वाला सतह आपको बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, ठीक है ना। ओवल शेप में जाएंगे। ओवल शेप में जाने के बाद आप यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे करके और एरो के हिसाब से आप यहाँ से इसको नीचे ला सकते हो। अगर थोड़ा सा इसका साइज़ थोड़ा सा कम करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। फ़िलहाल मेरे हिसाब से ये सही है, तो आपके हिसाब से कैसे है, सही है। चलो बाहर क्लिक करते हैं। बाहर क्लिक करने के बाद अगर आप इसके अंदर कोई मटेरियल वगैरह रखना चाहते हो, चाय वगैरह रखना चाहते हो, चाय तो नज़र नहीं आएगा, तो यहाँ से हम लोग इसमें से कोई कलर फिल करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने इसको कलर फिल किया है। कलर फिल करने के बाद यहाँ पर फिर आते हैं ब्रश। ब्रश में आते हैं स्प्रे। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको स्प्रे देंगे ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई इसके अंदर कुछ चाय है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक गिलास, एक कप बन गया जिसमें